अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब हो गई है 12:10 अभी मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग में हुई, बट इतना ज़्यादा मेरे स्पाइन में दर्द हो रहा था, बॉडी में जॉइंट्स में इतना दर्द हो रहा था। तो आज सबसे पहले तो अपने मैंने अपने लिए कराया मसाज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हेल्दी रहोगे तभी पूरी फैमिली को हेल्दी रख सकते हो। चाय भी नहीं पी अभी तक, मुंह भी नहीं धोई, तो अब जा रही हूँ फ्रेश होने, चाय बनाने। पहले तो बैठ के अच्छे से चाय नाश्ता करूंगी, और खाने का बहुत अच्छा मूड है आज मेरा, तो उसके लिए सुबह सुबह जाके पहले तो फिश मार्केट गई हूँ, तो वो लेकर आई हूँ। तो वो सब चीज़ों के साथ लंच की तैयारी, फिर थोड़ा सा घर में काम बाकी, क्योंकि ईद भी सर पर है। ईद की भी प्लानिंग चल रही है, और कुछ और एक प्लानिंग भी चल रही है बच्चों की, अयुब की ले बातों से। तो अब देखते कौन सा काम कैसे कैसे करे, कुछ आइडिया तो नहीं है। पर मेरा है, मैं अपना घर का काम जो है वो शेड्यूल टू शेड्यूल, टाइम टू टाइम करती हूँ। मेरी तकलीफ थी तो मैंने अपने तकलीफ का इलाज ढूंढी कि मैंने अपने मसाज कराया, और मेरा घर का जो काम है, पहले जाके चाय नाश्ता, उसके बाद घर का काम, उसके बाद दूसरा काम। कराया बता। ओ तो इसको क्या करूँ, तेरी मम्मी का वक्त को उल्टा करूँ? एंटिक पीस फॉर माय एंटिक मॉम। माय एंटिक बॉय, थैंक यू वेरी मच। चिकन ये जिम से क्या उठा के लाया है सब चीज? और ये फ्लेवर ओ शॉट भाई, सब घर के काम देख मैंने रेडी। क्या मस्त बनाई हूँ। चीज ये सैंडविच कितना और क्या वनीला चीज सैंडविच, तो और चाय। महंगा है, चाहिए उसके अंदर। देखो यहाँ पे मेरी लंच की भी तैयारी शुरू हो गई, और ये मेरा लंच की, और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाने वाली हूँ। और मेरे साथ साथ टेस्ट करने के बाद अमीन को मजा आ गया, तो उसके लिए भी फिर मैंने रख दिया ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए। बट वो बोला कि चीज नहीं खाऊंगा, तो मैंने बोला एक खा ले चीज वाला, तो एक चीज वाला एक विदाउट चीज। ईद की तैयारी तैयारी तैयारी, बस तैयारी चालू हो गई है। और ये देखो ये मेरे खजाना, ये मेरा कबाड़ है, मेरे कबाड़ में से निकला हुआ खजाना है। इत्र, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, और उसी के साथ साथ ये इतनी सारी साड़ियाँ मैंने निकाली हूँ आज फिर से बाहर देने के लिए। अभी और निकलने की है, क्योंकि अभी ये वाला कबाड़ बाकी है। जस्ट मेरा खजाना निकला, जो मेरी मम्मी का कबाड़ है वो मेरा खजाना है। ये देखो इसको तो चैन ही नहीं पड़ रहा, देख लो। ये कपड़ा अयूब ने मेरे को सूरत में दिलाए थे जब हमारी शादी हुई थी, तो इसको मैंने करी थी डिज़ाइन साड़ी में कन्वर्ट करके। और ये भी कपड़ा ही था, इसको भी मैंने डिज़ाइन करके साड़ी में कन्वर्ट करी थी। डिज़ाइनर ब्लाउज बनाई थी इसका। आप जैसे इसकी घड़ी देख रहे हो, मैंने इसको मुश्किल से एक या दो बार पहनी, दो बार पहनी हूँ। ये ऐसी रखी रखी, मेरे पास अब जगह नहीं है, कितना कितना मैं देती हूँ तो भी जगह नहीं होते। और ये साड़ी तो मैंने खुद डिज़ाइन करी हुई थी, ये भी साड़ी, और ये तो मैंने खरीदी थी। लेकिन इसका ब्लाउज जो है ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन से इसका स्लीव्स बनाई थी। और ये साड़ी आपको मेरे पुराने टिकटॉक के टाइम पे दिख जाएगी कि मैं किसी के फंक्शन में पहनी थी ये साड़ी, जब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीती थी जैसे मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, जो लोग मैंने सोशल मीडिया पे आने के बाद देखी हूँ। बच्चों के कबाड़ में से भी कुछ चीज़ मिली मुझे, अब मुझे खुद को नहीं पता ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर चिमटा भी है, और ये कुछ चीज़ें आई है, इसके अंदर चार्जर भी है, और ये गाड़ी में लटकाने वाला फ्रेगरेंस जो इतर होता है, इतर से, और ये अगरबत्ती है, ये तो सब बकूर वगैरह है। ये बॉडी पॉलिशिंग की काफ़ी सारी चीज़ें मिली है जो मैं अब तक यूज़ भी नहीं करी, और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ ये। पर ये नहीं पता, ये कुछ यूनिक दिख रहा है मुझे। अभी अमीन को पूछती हूँ क्या है भैया। देखो अलग ही है ये, बहुत मस्त है, लेकिन चार्जिंग भी है। अब देखती हूँ उसको, ट्राई करती हूँ क्या है ये। तो अम्मी राइस बनाएगी, तो अम्मी के लिए क्या बनाएगी फिर? नहीं नहीं तो फिर अम्मी के लिए चिकन का थोड़ा सा ऐसा सूखा बना देना ना रोटी के साथ। आज पहली बार मेरे को तेरी पोनी टेल अच्छी लग रही है, तो पोनी बांधेगी तो यहाँ से गोल गोल बाल, यहाँ से गोल गोल बाल, आज अच्छे लग रहे एकदम मस्त। वो आपको पता है, देखो ऐसे यूँ आके मेरे को यूँ करेगी, यूँ करेगी, मुझे हाँ मैंने भी पोनी टेल ही डाली भाई, हंसती है। सूरत के स्पेशल फालूदा, इतना घट हो गया है,
मेरे को दिल नहीं कर रहा था इतना घट पहनने, इतना हेवी। मैंने बहुत सारी इसमें बर्फ डाली और इसको थोड़ा सा पतला करके पीऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मलाई इतनी ज़्यादा है। और काजू, मुझे काजू वाला फालूदा पसंद है। घर में कोई नहीं पीता, यू भी नहीं पीते, अली भी नहीं पीता, तो मेरे लिए सब लोगों के हिस्से का काजू मेरे फालूदे में ही आ जाता है। देखो अब जाके थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था लंच और लंच के साथ साथ रेसिपी पूरी शूट करनी थी, तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा अपना अवतार अच्छा कर लो। और आज मेरा बेटा बहुत तारीफ कर रहा है मेरे ड्रेस की। मैंने बोला तेरे डैडी ने गिफ्ट करी है मुझे ये ड्रेस, बहुत दिल से करी होगी ना, इसीलिए मेरे पर बहुत ज्यादा चार चांद लग रही है। और कुछ मेहमान भी आए हैं मेरे घर पे, तो चलो उनसे भी मिल ले। देख ले उसको, देख ले पहले उसको, देख ले लाड़ कर रही है। क्यों क्या वीडियो में नहीं गए? तेको भी चाहिए, फेम चाहिए बिनू। बिनू देखना वो अभी यहाँ पड़े लेना सब चीजें, तो यहाँ से हलेगी नहीं। अभी मैं कल ज्वेलर्स के इधर गई थी, आपने देखा होगा कल के व्लॉग में, पर मुझे अभी टाइम मिला है। मैं कल रात को जो चीज़ लेकर आई हूँ वो आज अभी चेक करी, क्योंकि अभी मुझे फुर्सत मिली, जस्ट मुंह धोकर आई। देखो कपड़े भी गीले हो गए, बस अब चेंज करूँगी और सोने की तैयारी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने बोला कि चलो एक नज़र मैं भी देख लूँ और आपको भी दिखाऊँ, क्योंकि आपने देखा था कि मेरी डिज़ाइन का मंगलसूत्र कितना हाईलाइट होके दिखा आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुछ ना कुछ आप अपने डिज़ाइन करो पर पसंद आ जाती है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती है, या फिर वो बहुत हाईलाइट हो जाती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। खुशी होनी चाहिए कि चलो आपने जो डिज़ाइन बनाई, मेहनत की, तो वो सर चढ़कर दुनिया के सामने दिखी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल तो बड़ी चीज़ों में तो कुछ मेरा ध्यान नहीं है, अब थोड़ी छोटी चीज़ों का फैशन सोच रही हूँ करने का। ये तो मेरे जो झुमकी है, ये आपको पता है कि बहुत पहले की है, और ये भी मैं जब अजमेर जाती थी तो आर्टिफिशियल झुमकी को भेजकर कुछ थोड़ी सी चेंजेस करके मैंने ये झुमकी बनाई थी। अब नोज पिन भी आपने देखा होगा, अभी आजकल मेरे आए दिन नोज पिन बारीक हो गई है, छोटी सी, पर यहाँ की मुझे ज़्यादा शौक चढ़ा कि यहाँ पहनना है मुझे सब अलग अलग स्टाइल की। तो ये देखिए, ये मैंने झुमकी के साथ में ये वाली जो नोज पिन बनाई हो बीच वाली, वो इसकी दो नोज पिन है वो है मेरे पास। उसी के साथ साथ ये वाली देखो, ये वाली इयरिंग है, ये वाली इयरिंग भी मैं बड़े वाले मंगलसूत्र के साथ भी पहनती हूँ। तो इसके साथ में मैंने ये वाली बीच वाली नोज पिन बनाई हूँ, अच्छी लग रही है ना। हाँ ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ब्लैक कलर मंगलसूत्र है, इयरिंग अभी तक मेरे पास कोई ब्लैक कलर की है नहीं, तो अब इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल चीज़ बनानी पड़ेगी। ये भी एक डिज़ाइन है जो बीच में पहनूंगी मैं नोज के, पर इसकी यहाँ की तो है, यहाँ की आ गई, अब यहाँ के लिए कुछ मैचिंग बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये थी मेरी कल की रात की जो ज्वेलर्स की यहाँ गई थी वो वाली ज्वेलरी। तो फिलहाल मैं भी देखी और आपको भी दिखाई, अच्छा लगे या बुरा लगे कॉमेंट में लिखना ज़रूर। और बस खुश रहना और हम हमेशा अपने खुशी को आगे रखना, तब आप भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। पीनू गुड नाइट बोलो। मम्मा गुड नाइट कर दे, मेरा बच्चा गुड नाइट।